कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेज गति से टीकाकरण किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिले की उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते हुए कोरोना मामलों को रोकने के लिए आमजन को कोविड नियमों की पालना करनी चाहिए। संक्रमित लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, अपितु कोरोना महामारी से लड़ने की जरूरत है। क्षेत्र में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो उसी में हमारा प्रयास है कि एक तो जितने भी कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उनकी सख्ती से उनको इन्फोर्समेंट रहे, वहाँ पे लोग बाहर ना निकलें जो कोविड इन्फेक्टेड लोग हैं, और उसके लिए ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है जोनल मैजिस्ट्रेट्स की, एंड वो रैंडमली आके चेक करेंगे कि वो लोग बाहर तो नहीं निकल रहे। कोविड वैक्सीनेशन की नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुपमा सिंह ने बताया कि जिले में प्रतिदिन लगभग 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस मिल रहे हैं और इस पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीन का जो दौर चल रहा है, ये दोबारा से हमारे जिले में केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, यानी सेकेंड वेव हमारे जिले में आ चुकी है, और नित प्रतिदिन हमारे जो है मैक्सिमम 100 के करीब लगभग केस पॉजिटिव आ रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीन एक आम टीके की तरह ही है और टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कोरोना को हराने के लिए सबको वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। मैंने कोविड का इंजेक्शन लगवाया है और उससे कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए सारे ही आगे।